नमस्कार, मेरा आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की उस नई पीढ़ी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने सबकी परेशानियां बढ़ा दी हैं, सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कई जगहों पर आप देख रहे होंगे अस्पतालों में जो बेड की कमी है उसको लेकर के चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन ऐसे में बिहार सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है आपको। हम बता दें, 1 मई से टीकाकरण अभियान जो है वह अब 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का भी होगा, और अब बिहार में यह टीकाकरण जो है बिल्कुल फ्री होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर आपसे थोड़ी देर पहले यह ट्वीट करके बता दिया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से, ट्विटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखा है 18 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी बिहारवासियों का मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। हम आपको बता दें, बीते दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कई सारी बातें कही थी। ये कहा था कि जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको 1 महीने का वेतन भी अतिरिक्त मिलेगा इस साल, क्योंकि कोरोना की इस दूसरी लहर में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्याएं जो है वो भी बढ़ रही हैं। अस्पतालों में ये कहा गया था, ये बताया भी गया था कि हाँ, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हुई थी, लेकिन अब जैसा कि जिला प्रशासन की ओर से भी खबर निकल के आ रही है, पटना के जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह, उनकी ओर से भी जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, ये बताया गया है कि 21 अप्रैल को 5750 सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है, और पिछले 3-4 दिनों में हम देखें तो रोज 6000-5000 से अधिक सिलेंडरों की आपूर्ति जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो आपूर्ति है वो अस्पतालों में की जा रही है। इस प्रकार का ऑक्सीजन सिलेंडर की अस्पतालों में आपूर्ति करने हेतु जिला प्रशासन जो है वो तत्पर दिख रहा है। और अब कहीं ना कहीं ये जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि सभी बिहारवासियों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जो कि 1 मई से टीका ले सकते हैं, केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई है, उनको मुफ्त में टीकाकरण उनका टीकाकरण जो है वो मुफ्त में किया जाएगा। ये अब तक की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको हम बता दें, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों में पहले ही ये कहा जा चुका है कि टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जब ये टीका प्रोवाइड कराया जाएगा राज्यों को, तो ऐसे में बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और ये बता दिया है कि टीकाकरण होगा बिहार में। 18 वर्ष की उम्र से अधिक वालों का टीकाकरण होगा, लेकिन बिल्कुल मुफ्त में होगा, जैसे कि अभी भी हो रहा है। 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अब हमें ज़रूरत है मास्क लगाने की। सड़कों पर आप पोस्टर्स के माध्यम से तस्वीरें अक्सर देखते होंगे, कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो चेहरे हैं वो दिख रहे हैं इन पोस्टर्स के माध्यम से, और हम आपको दिखा भी रहे हैं कैसे मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। ये पोस्टर्स भी आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा उसमें झलक रहा होगा। और अब भले ही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा हो, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप टीका लगवाइए, 1 मई के बाद आप टीका लीजिए। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है, टीका ही फिलहाल एकमात्र उपाय है, और मास्क जरूर लगाना है। बिहार सरकार का जो निर्णय है काबिले तारीफ है, लोग काफ़ी इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। बहरहाल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुनाव में जो वादा किया गया था एनडीए की ओर से, वो वादा अब पूरा होता हुआ भी दिख रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।